नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे नोबेल प्राइज़ जो अनाउंस हुए हैं केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2022 में। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं वीडियो। ओके, द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2022, वर्ष 2022 में केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार घोषणा कर दी गई है। इस वर्ष ये पुरस्कार कैरोलिन आर बर्टोजी, ठीक है, मॉर्टन मेलडाल और के बैरी शार्पलेस को क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। तो इस बार तीन वैज्ञानिकों को मिला है। पहले हैं कैरोलिन आर बर्टोजी, दूसरे मोर्टन मिलडाल, तीसरे के बैरी सार्कलेस। इन्हें किसके लिए दिया गया है? क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने इस पुरस्कार की घोषणा की है। ओके, क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए मिला अवार्ड। इन तीनों साइंटिस्टों को संयुक्त रूप से क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए फेमस अवार्ड नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। ठीक है, क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शन ने केमिस्ट्री को कार्यात्मकता के युग में पहुंचा दिया है जो मानव समाज के लिए सबसे उपयोगी है। क्लिक केमिस्ट्री क्या है देखते हैं। क्लिक केमिस्ट्री की अवधारणा के बैरी शार्पलेस द्वारा दिया गया था जिन्होंने रसायन विज्ञान में अपना दूसरा नोबेल पुरस्कार जीता है। के बैरी शार्पलेस को दूसरी बार नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। क्लिक केमिस्ट्री सरल और विश्वसनीय रसायन विज्ञान का एक रूप है जहाँ रिएक्शन जल्दी होती है और अवांछित उत्पादों से बचा जाता है। ठीक है, क्लिक केमिस्ट्री वो है जहाँ रिएक्शन, ठीक है, जल्दी से होती है, उत्पाद जल्दी से बनते हैं और जो जिनकी ज़रूरत नहीं है, जिन उत्पादों की हमें ज़रूरत नहीं है वो उत्पाद नहीं बनते हैं। ठीक है, क्लिक केमिस्ट्री में अब देखते हैं थोड़ा सा मॉर्टन मेलडाल के बारे में। मॉर्टन मेलडाल ने भी क्लिक केमिस्ट्री के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इसे रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोत्तमता प्रदान की। वेरी सार्पलेस और मेलडाल ने अलग अलग कॉपर की मदद से एजाइड एल्काइन साइक्लोडिसन को उत्प्रेरित किया। यह एक सर्वप्रथम केमिकल रिएक्शन है जिसका अब व्यापक फार्मास्यूटिकल्स के विकास में डीएनए मैपिंग और आधुनिक उपयुक्त सामग्री बनाने में किया जा रहा है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं कैरोलिन बर्टोजी ने क्लिक केमिस्ट्री को एक नए स्तर पर पहुंचाया। उन्होंने कोशिकाओं की सतह पर जैव अणुओं को ग्लाइकान की मदद से किया। ठीक है, उन्होंने जीवों के अंदर कार्य करने वाली क्लिक अभिक्रियाओं का विकास किया जो बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शन कोशिका के सामान्य रसायन विज्ञान को भी बाधित नहीं करते। ठीक है, तो आप देख लीजिए फिर से। बैरी शार्पलेस ने दूसरी बार इन्हें दिया जा रहा है केमिस्ट्री के क्षेत्र में। बैरी शार्पलेस ने दूसरी बार नोबेल पुरस्कार जीता है। शार्पलेस दो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पांचवें व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इससे पहले शार्पलेस को वर्ष 2001 में केमिस्ट्री का ही नोबेल अवार्ड दिया गया था। प्लेस प्लेस के अलावा लाइनस पॉलिंग, मैरी क्यूरी, जॉन बर्डिन, फ्रेडरिक सिंगर को भी दो दो बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, तो आप याद रखिए कार्ल बेरी शार्पलेस एक अमेरिकी रसायनज्ञ हैं जो स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन तथा क्लिक केमिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं।
केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान से देखिएगा। अब इसे केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार प्रथम बार वर्ष 1901 में प्रदान किया गया था। केमिस्ट्री में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में नीदरलैंड के जैकबस हेनरिकस वैन टी हाप को दिया गया था। ठीक है, पहला पुरस्कार था। अब देखते हैं 1901 से 2022 के मध्य केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 191 विजेताओं को प्रदान किया गया है। फ्रेडरिक सेंगर और बेरी सरप्लस को 2 बार सम्मानित किया गया है। अतः ऐसे 189 व्यक्ति हैं जिन्हें 1901 से रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला है। केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 8 अवसरों पर 1916, 1917, 1919, 1924, 1933, 1940, 1941 और 1942 पे प्रदान नहीं किया गया था। ठीक, आज तक केमिस्ट्री का सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रेडरिक जूलियट हैं। ठीक है, जो 35 वर्ष के थे, उन्हें 1935 में उनकी पत्नी इरेन जूलियट क्यूरी के साथ केमिस्ट्री के नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये पॉइंट याद रखने वाले हैं। रसायन विज्ञान में अब तक के सबसे अधिक उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन बी गुडिनफ हैं, जो 1997 वर्ष के थे, जब उन्हें 2019 में केमिस्ट्री का नोबेल अवार्ड दिया गया था। सबसे कम उम्र के फ्रेडरिक जूलियट और सबसे अधिक उम्र के जॉन बी गुडिनफ। ठीक है, आगे केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 189 व्यक्तियों में से अब तक 8 महिलाएं शामिल हैं। ठीक है, याद रखना 8 महिलाएं शामिल हैं, जिसमें इस बार की विजेता कैरोलिन बर्टोजी भी शामिल है। ठीक है, अब देखते हैं रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के बारे में। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस की स्थापना 1739 में हुई थी, 39 में की गई थी। इसलिए इसका उद्देश्य विज्ञान को बढ़ावा देना और समाज में उनके प्रभाव को मजबूत करना। ठीक है, यह एकेडमी 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए नोबेल समिति के सदस्यों की नियुक्ति करती है। ठीक है, ओके, तो आप रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के बारे में ध्यान रखना, जो महत्वपूर्ण पीछे तत्व बताए गए हैं। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से जुड़े उनको ध्यान रखना। ये केमिस्ट्री के क्षेत्र की बात चल रही है। केमिस्ट्री नोबेल अवार्ड 2021, आप पिछले वर्ष में किनको मिला था? केमिस्ट्री का नोबेल अवार्ड 2021 बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस के विकास के लिए दिया गया था। ठीक है, तो 2021 में 2 साइंटिस्टों को मिला था, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को दिया गया था एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस के विकास के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।